देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,561 नए केस सामने आए हैं और 142 लोगों की मौत हो गई है। कल 7,554 मामले और 223 मौतें दर्ज की गई थीं, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 14,947 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 77,152 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,388 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,53,620 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। कल 21,83,967 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 178 करोड़ 2,63,222 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।